आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक कोई पॉजिटिव नंबर है जो अनदर नंबर का 5 टाइम्स है। इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, जब दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दिया जाता है, मतलब दो नंबर्स हमने सोचे, मान लीजिए जो एक नंबर है x है और उसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 5x, और दोनों में हमने क्या करना है 21 को ऐड करना है। जब 21 को हम ऐड कर देते हैं उसमें, द वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। मतलब यहां बोला है कि जो उनमें से एक नंबर होगा ना, जैसे ही हम 21 को ऐड करते हैं तो उनमें से एक नंबर जो होता है वो दुगना बन जाता है दूसरे वाले के। तो फिर क्या होगा, द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। तो मुझे हमें दोनों नंबर्स बताने हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए लेट द नंबर्स बी एक्स एंड 5x, क्योंकि 5 टाइम्स बोला है, एक कोई नंबर है उसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, तो अब देखिए यहीं पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, इन दो ये दो नंबर हैं, एक नंबर है 5x और एक नंबर है x। जब मैं दोनों में 21 को ऐड करता हूं, जब मैं दोनों में 21 को ऐड कर देता हूं, तो ये जो दूसरा वाला नंबर है ना, ये दूसरा नंबर इस वाले नंबर का ट्वाइस बन जाता है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी, बहुत ही इजी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है, तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा, प्लस 2 की 21 में करेंगे तो 21 दूनी 42। ठीक है, और यहाँ पर सेम उतार देंगे सवाल को हम 5x। अब देखिए वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं 2x को इधर लेकर के आता हूँ, ये प्लस का है तो यहाँ करके माइनस हो जाएगा, और 21 को मैं लेके आ जाता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये 21 क्या हो जाएगा प्लस का है यहाँ पर आके माइनस में। तो शिफ्टिंग करते हैं, चलिए ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 42 माइनस 21, क्योंकि इधर गया तो ये माइनस में आ जाएगा। अभी ने देखिए माइनस कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 21 में से 42 में से 21 गए तो यहाँ पर 21 ही बचेगा। तो अब देखिए x को जब हम खाली छोड़ेंगे तो 21 अपॉन में 3 हो जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाता है, बहुत ही ईजी है। आपको मैं पिछले सवालों में भी बहुत बार बता चुका हूँ इस तरीके से मेथड को कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, x बराबर 7। तो यह हमारा x, मतलब कि पहला नंबर जो होगा, जो एक नंबर होगा वो क्या होगा x, मतलब यहां सिंपली हम लिख सकते हैं द फर्स्ट नंबर इज 7 और जो सेकंड नंबर होगा द सेकंड नंबर इज वो क्या होगा। देखिए 5 टाइम्स है ना, तो 7 5x है, 5 इंटू एक्स की जगह पर 7 है तो वो जाएगा 7 × 5 = 35, मतलब जो हमारा दूसरा नंबर होगा वो 35 होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसी तरीके से सभी सवाल होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।